स्टार्ट। हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। आज आप जिनको स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं वो जो हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। क्यों खास व्यक्ति मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो उनको जो है एक ब्रोंज मेडल मिला है एट वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप फॉर ब्लाइंड इन 2013, और वो एशिया के रैंक वन जो है हाईएस्ट रेटेड विजुअली इम्पेयर्ड चेस प्लेयर हैं इंडिया में। दर्पण, और एक खास बात और है कि ये एक रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। एंड दर्पण, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप। अरे एकदम मजे में नीरज सर, बहुत एंड बढ़िया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में, बहुत मजा आएगा मुझे पक्का पता है। बहुत अच्छा लगा कि आप चैनल पे आए, एक सिंपल कॉल पे आपने जो है ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो एक बार बातचीत करते हैं। सो दर्पण, आपकी पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक हम जानना चाहेंगे, कि ये चेस के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, सीए के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सो कहाँ से शुरुआत की जाए दर्पण, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे। ओके, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना, मतलब मैं एकदम नॉर्मल चाइल्ड की तरह बॉर्न हुआ। और 3 साल की उम्र में, मतलब एट द एज ऑफ 3 इयर्स, आई वाज अफ्लिक्टेड विद अ सिंड्रोम कॉल्ड स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। और वो भी ऐसे आया कि मुझे जस्ट एक कंजंक्टिवाइटिस हुआ था एंड उसके साथ थोड़ा सा बुखार था। तो मैं, मतलब 3 साल की उम्र में नर्सरी में 4 डेज के लिए स्कूल गया एंड Thereafter, I got this conjunctivitis, as I already mentioned. तो मामा पीडियाट्रिशियन के पास लेकर गई, उन्होंने इंजेक्शन दिया। द इंजेक्शन इज कॉल्ड जेंटामाइसिन इंजेक्शन एंड वो बोलते हैं कि वो बहुत कॉमनली, मतलब जिन भी बच्चों को, छोटे बच्चों को बुखार आता है वो लगाया जाता है, मतलब वो हर किसी को लगा होता है ना। 10 साल के नीचे कभी किसी को बुखार आया है तो जनरली वही लगाते हैं। सो उससे क्या हुआ ना, मतलब मुझे रिएक्शन हो गया एंड वो भी बड़ी, मतलब लंबी कहानी है। वो रिएक्शन के सिर्फ आई साइट लॉस के अलावा काफी सारे इम्पैक्ट थे, बट एनीवे अभी, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर कहूँ तो उस वजह से ना मेरी पूरी आई साइट चली गई एंड आई बिकेम 100% विजुअली इम्पैक्ट, एकदम नॉर्मल चाइल्ड से एट द एज ऑफ 3 ईयर्स। और डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो ऐसा रिएक्शन आता है ना, मतलब उस इंजेक्शन की वजह से, दैट इज लाइक 1 in a million होता है ये, मतलब मिलियन में से किसी एक को ही आएगा। सो दैट वॉज द केस। तो मतलब, और मैं अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड हूँ, सो मतलब अ वर्ल्ड वेंट अपसाइड डाउन एंड पूरा सब कुछ नो, एकदम से सब कुछ नॉर्मल था। आई मैं कैन नर्सरी में अंडरस्टैंड। 4 दिन गया एंड उसके बाद तुरंत से ये हो जाना। सो फिर ना हम लोगों ने, मतलब बहुत ट्राई किया थ्रू आउट द कंट्री एंड अब्रॉड भी कि कुछ भी मेडिकली हो सकता है, तो बट नथिंग वर्क टू सक्सेस। मेरी, मतलब 8 साल की एज तक ना मेरी ऑलमोस्ट 50-60 सर्जरीज हो चुकी थी। सो बट कुछ उसका हुआ नहीं एंड वी ट्राइड एवरीथिंग दैट वी कुड मेडिकली। सो फाइनली देन इट डॉन्ड ऑन अस कि अब ये तो मेडिकली तो हो नहीं रहा है, सो व्हाट टू डू नाउ, मतलब कुछ तो करना है। तो मेरे पेरेंट्स का यही ड्रीम था, क्योंकि मैं नॉर्मली ही बॉर्न हुआ था, तो वही था कि नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही पढ़ेगा। और ये हादसा जो हो गया, मतलब ये एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ गई, उसके बाद भी यही था कि मतलब अब इसकी ना एकेडमिक्स पे कंसंट्रेट करते हैं। बिकॉज वो उसके बाद ना मैं, मतलब राइट फ्रॉम एज ऑफ 3 to 8 कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब आई लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से। सो देन एट द एज ऑफ 8 आई अगेन वॉज एडमिटेड टू अ नॉर्मल स्कूल इन डायरेक्टली 3rd स्टैंडर्ड। तो मैंने, मतलब कभी HKG LKG कुछ पढ़ाई नहीं, नर्सरी के 4 दिन पढ़े, उसके बाद सीधा 3rd स्टैंडर्ड 8 ईयर्स की एज में। सो दैट इज हाउ द एकेडमिक जर्नी बिगेन। मतलब एक बड़ोड़ा में, मतलब आई बिलोंग टू बड़ोड़ा गुजरात, तो वहाँ पे ना बड़ोड़ा हाई स्कूल करके एंड ऑल ओवर नॉर्मल चिल्ड्रन एंड सिर्फ मैं अकेला एक विजुअली इम्पैक्ट था। वहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, मतलब पूरा 1st से 12th तक। सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड नो, तो ऐसे शुरुआत रही। मतलब सुन के मुझे बहुत ज़्यादा ना, मतलब मेरी खुद की 2 बेटियां हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। एंड डेफिनेटली आपके लिए तो एक, मतलब शायद 3 साल की उम्र में कुछ आइडिया नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट आई रियली आई कैन फील द पेन ऑफ योर पेरेंट्स, के उनके उनके ऊपर जो है क्या चीज़ जो है उस समय हुई होगी, जो आपने बताया कि वर्ल्ड वेंट अपसाइड डाउन। तो उसके बाद चेस में कैसे इंटरेस्ट आया दर्पण, कैसे जो है आपकी ये सक्सेस स्टोरी, मैं बोलूंगा इतनी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ी चेस को लेके। चेस ना मैंने 13 इयर्स की एज पे स्टार्ट किया। और वो ऐसे हुआ कि अब जब हम एकेडमिकली तो सेटल हो गए थे, मतलब मैं जैसे आपको बताया कि 3rd स्टैंडर्ड में एडमिशन हो गया सब कुछ,
और मैं नॉर्मल बच्चों के साथ मैं मतलब कंप्यूटर से एग्जाम्स देने लगा एंड मैं मतलब कंप्यूटर पे पेपर लिखता एंड कभी ब्रेल यूज ही नहीं किया मैंने. मुझे ब्रेल इनफैक्ट मतलब मैं स्टार्टिंग में सीखा था 15 दिन बट वो मेरी लाइफ में कभी यूज नहीं हुआ. सो इट वॉज ऑल थ्रू द टेक्नोलॉजी. तो नॉर्मल कंप्यूटर्स ही मैं यूज करता हूँ एंड मतलब तभी से. तो ऐसे करके हमको लगा कि एकेडमिक फ्रंट पे तो सब कुछ सेटल हो गया है एंड आई वाज ऑलवेज अमंगस्ट टॉप 3 इन माय क्लास. मतलब द एबीसी तीन डिविजन्स रहते हैं ना, तो अमंगस्ट मतलब ऑल द डिविजन्स पूरा क्लास जो भी स्टैंडर्ड में मैं हूँ ऑल कम्बाइंड आई वाज लाइक इन टॉप 3 ऑलवेज राइट फ्रॉम माई थर्ड स्टैंडर्ड. तो हमें लगा कि अब ये तो हो गया है, ये चीज तो सेटल हो गई है somehow. तो अब आगे गेम्स के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज क्या हो रहा है ना, जैसे नॉर्मल स्कूल में एक फिजिकल एडुकेशन का पीरियड हो रहा है या पीटी कह लो या पीई कह लो, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग फिजिकल एडुकेशन. तो उसमें ऐसा हो रहा है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैं मतलब खड़ा हूँ ग्राउंड पे या मैं एक जगह बैठा हूँ मतलब. तो ये चीज होती थी. तो फिर हमने सोचना शुरू किया कि अब ये क्या खेल सकता है, मतलब पढ़ाई तो सारा कुछ हो रहा है. तो फिर हम गए एक ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन में जो हमारे सिटी में ही है. वहां जाके हमें पता चला कि चेस एक ऐसी गेम है जो मतलब खेल सकते हैं. तो हम वहां से एक स्पेशली डिजाइन चेस बोर्ड लेकर आए एंड चेस खेलना शुरू किया. स्टार्टिंग में मेरे फादर ने मुझे सिखाया जितना उन्हें आता था, एक डेढ़ महीना. ऑफकोर्स आधे रूल्स उन्हें भी नहीं आते थे, बट जितना सीखते हैं कि हाथी घोड़ा ऐसे चलता है, टेढ़ा चलता है, ऐसे सिखाया. और एक टूर्नामेंट में गए हम लोग, तो वहां पे ऐसे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ एंड देन इट ऑल किक स्टार्टेड. और चेस ही क्यों ना, इतने सारे गेम्स होते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना, क्रिकेट में भी ऐसे होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेशल क्रिकेट होता है या पैरा ओलंपिक जैसे आप कहते हैं, बट वो सारे कैसे है ना कि इट्स डिसेबल्ड अगेंस्ट डिसेबल्ड, मतलब राइट, या डिफरेंटली एबल्ड अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड, राइट. तो हमें ये चाहिए था कि हम कुछ ऐसा करें कि हम मेन स्ट्रीम के साथ कम्पीट करके और उनको मतलब उनके साथ इक्वल फुटिंग पे खेल सके, राइट. सो ये कंसेप्ट था. तो चेस एक ऐसा गेम है ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चेस ही है जहां पर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन कम्पीट विद साइटेड एट पार ऑन इक्वल फुटिंग विद दैट टू विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी डिस्पेंसेशंस, मतलब कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो. सो या तो ऐसे करके चेस जर्नी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13. राइट. क्या बात है. मैं पहले जाना चाहूँगा, आपके अगर पेरेंट्स हैं, अगर वो भी आना चाहें, बातचीत करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो मोस्ट वेलकम. अगर वो इस समय स्क्रीन के सामने आएंगे और कुछ बोलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इफ दे आर कम्फर्टेबल. हाँ, अगर हम पहले बातचीत कर लेते हैं या फिर लास्ट में बुला लेंगे, अगर जैसा आपको 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 सही लगे. अब आपका चेस में इंटरेस्ट आ चुका है, 13 साल की उम्र में जो है आपने चेस खेलने का डिसीजन लिया है, और आपने इसलिए लिया है कि भाई मैं इक्वल फुटिंग पे रह पाऊं, मैं उन लोगों के साथ भी चेस खेल पाऊं जो शायद बिल्कुल नॉर्मल है और मैं थोड़ा सा एक स्पेशली एबल्ड हूँ, तो मैं उनके साथ भी लेकिन मैं खेलना चाहता हूँ, राइट. अब यहाँ पे कैसे ये चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो आप वो चैंपियनशिप तक कैसे पहुंचे और कैसे आपको एशिया के नंबर 1 प्लेयर का जो है वो रुतबा जो है वो मिला? ये ना ऐसे हुआ कि मैंने बोला ना, जैसे पिताजी ने सिखाया, टूर्नामेंट खेले, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, वहां से ना एक जन ने नोटिस किया मुझे एंड वो खुद चेस प्लेयर थे. तो उन्होंने नोटिस किया एंड उन्होंने गाइड किया कि आगे आप मतलब इसको ट्रेनिंग दिलवाइए, प्रोफेशनल कोचिंग दिलवाइए एंड ही कैन एक्सेल इन दिस गेम, मतलब राइट. सो फिर कोचिंग हुआ एक डेढ़ महीने का, लाइक वी वेंट टू अ प्रोफेशनल कोच एंड उन्होंने सिखाया. मतलब उनके लिए भी ऑफकोर्स सिखाना चैलेंजिंग था, बिकॉज उनके पास मतलब पहली बार उन्होंने ना किसी ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को सिखाया, तो उनके लिए थोड़े से चैलेंजेस थे, उनको नया था मतलब, राइट. बट ठीक है, ऐसे डेढ़ महीना ट्रेनिंग लेने के बाद आई वेंट टू डिस्ट्रिक्ट अंडर 14, ठीक है, एंड अंडर 14 इवेंट में I won that and it was all with sighted, okay. I was the only visually impaired, matlab in fact 95% of my tournaments are in this sighted category. So that was such a boost na, kyunki aapko matlab 13 saal ki age mein agar ek haath mein trophy ho na, aap ye sab nahi samajhte ki game hai, zindagi mein jeet haar chalti rehti hai, ye sari to akal nahi hoti us waqt. तो वो ट्रॉफी आती है हाथ में तो बड़ा सा एक ना वो बहुत इंसेंटिवाइज कर देता है आपको, बहुत मोटिवेट कर देता है, राइट. सो ऐसे जाके ये शुरू हुआ.
और फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट एंड स्टेट में मतलब 5-6 बार खेलने के बाद आई मतलब स्टूड फर्स्ट इन स्टेट, सेकंड इन स्टेट, ऐसे आना शुरू हो गया. तो इनफैक्ट जब मैंने चेस शुरू किया ना, तो पहले 3 साल तक तो वी वरंट अवेयर कि ब्लाइंड के लिए भी अलग से चेस होता है, मतलब कि डिसेबल चेस करके भी अलग से होता है. वो पता ही नहीं था. वो 3 साल शुरू करने के बाद पता चला कि ओके देयर इज डिसेबल्ड चेस एज वेल, मतलब देयर इज अ फेडरेशन फॉर इट. तो वो बाद में पता चला. फिर ऐसे मतलब मैं वहां भी खेला, आई वेंट मतलब वन द नेशनल चैंपियनशिप ऑफ ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड एंड आई वन इट एट द एज ऑफ 16. सो दैट इज द रिकॉर्ड टिल डेट. मतलब वो यंगेस्ट, आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू डू सो. एंड दैट वाज वे बैक इन आई मीन दैट वाज आई डोंट रिमेम्बर बट 2010 2011 ऐसे कुछ था. सो ना मतलब ये चीज हुई और वहां से ना वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया. आई मीन एज आई स्टूड फर्स्ट तो वर्ल्ड के लिए जो जूनियर के लिए जाने का मौका मिला. एंड वहां पे जाके आई वन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड जूनियर ब्लाइंड चेस. राइट, दैट्स रियली ग्रेट एंड हाईली मोटिवेटिंग. अब सीए की जर्नी एक बार शुरू करते हैं. तो ये आपका चेस में बहुत बढ़िया, आप आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छी चीजें हो रही थी. तो सीए की तरफ जो है कैसे आपका रुख हुआ? सीए की तरफ ऐसे रुख हुआ ना, मतलब 10th में ना मेरे अच्छे परसेंटेज थे, मतलब कुछ 86-87 परसेंटेज थे. सो दे वर प्रीटी डिसेंट टू ऑप्ट इवन फॉर साइंस स्ट्रीम. ठीक है, बट आई डिडंट ऑप्ट फॉर इट क्योंकि मुझे ना ऐसा था कि मुझे कुछ नया करना है. मतलब आई हैड हर्ड ऑफ यू नो सम कंप्यूटर इंजीनियर्स जिन्होंने शायद इस लिमिटेशन के बावजूद इंजीनियरिंग की थी. राइट, सो मुझे ये चीज करनी थी कि मुझे कोई ऐसे फील्ड में जाके वो माइलस्टोन प्लेस करना था. राइट, आई मीन इट्स लाइक नो डू नॉट गो वेर देर इज अ पाथ बट यू मेक योर ओन पाथ एंड ब्लेज अ ट्रेल. सो वो एक ट्रेल ब्लेजर जैसा करना था. क्या बात है. तो ना CA final, मतलब CA के अलावा कॉमर्स के बाद मतलब कुछ रहता नहीं है which can give you that kind of challenges, that kind of satisfaction, right? Right, right. I can understand. So, अब CA में आपने फिर exams कैसे दिए, क्या आपको challenges आए और कैसे आपने इसको overcome किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं प्लीज. राइट, एक्चुअली 12th की एग्जाम्स खत्म हुई एंड उसके मार्च के बाद मैंने जस्ट 2 महीने के बाद तब CPT दिया. And 12th में I scored 99.75 percentile. Okay. And CPT के लिए ना I didn't go for any tuition. In fact, throughout my academic career, I've never been to any tuition classes. Okay. Yeah, it was all self-study. हाँ, guidance लिया है, no doubts about it. But ये चीज थी क्योंकि मुझे ऐसे लगता था ना, मतलब tuition classes में जाएंगे सारे बच्चे रहते हैं and वो उस space से या वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, आई वुड नॉट बी एबल टू यू नो कॉम्प्रीहेंड व्हाटएवर इज बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड एंड उतना तो वो चीज था. सो ऐसे ना सीए में भी मैंने कभी ट्यूशंस नहीं किए और हमेशा कैसा होता था कि मुझे एग्जाम्स राइटर्स के थ्रू देने पड़ते थे. स्कूल में तो मैं कंप्यूटर्स के थ्रू देता था बट सीए में ना कभी भी कंप्यूटर्स अलाउड नहीं थे. क्योंकि हमने ये ट्राई भी किया, मतलब मैंने एक आध बार एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को लिखा भी बट एज यूजुअल वो मेल्स कहाँ जाते हैं किसी को आज तक पता नहीं है. सो तो ना क्या होता था स्कूल में कैसे करते थे कि कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर वो लोग स्कैन कर रहे हैं एंड मेरा सॉफ्टवेयर पढ़ के सुना रहा है, मैं उसमें स्पेस क्रिएट करके वहीं पे आंसर्स लिख रहा हूँ प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ. एज सिंपल इज दिस. सो यही मॉडल्स ऑपरेंडी मुझे लगा शायद सीए में थियोरी पेपर्स के लिए एटलीस्ट हो पाए. राइट, और एक इन्विजिलेटर तो मेरे साथ रहता ही है, वो तो राइटर है तभी रहता है. तो बट एनीवेज ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं था तो ना मतलब मुझे राइटर्स के लिए ऑप्ट करना पड़ा एंड आई यूज्ड टू डिक्टेट एंड दे यूज्ड टू राइट. बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज क्या होता है ना बहुत कम्युनिकेशन गैप रह जाता है. मैं जिस स्पीड से जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उतनी स्पीड से अगर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ है ना थियोरी पेपर्स या प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल्स आर क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज आप मतलब आपको तो मैं क्या ही बताऊं कि कैसे पेपर्स होते हैं. राइट, तो आप आईपीसीसी के भी सारे समझ लीजिए, कॉस्टिंग या जो भी एंड है ना कॉस्टिंग एफएम और टैक्सेशन. कॉस्टिंग एफएम तो खैर कंबाइंड होता था उस पर.
बहुत चैलेंजेस होते हैं, मतलब वो रीड करेगी क्वेश्चन या रीड करेगा क्वेश्चन, आप उसको सुनते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, आपको सारे फिगर्स याद रखने हैं, है ना, कहाँ पर क्या था। और वो राइटर तो जो रहता है वो अंडर ग्रेजुएट रहता है, एग्जैक्टली राइट? तो लाइक ही और शी शुड बी परसुइंग FY और SY BCOM, है ना, तो ये चीजें हैं, तो बहुत डिफिकल्टी आती है उस वजह से। खैर मैंने मतलब फाइनल में उसी वजह से थोड़े से अटेम्प्ट्स भी लगे, मतलब मैं उसमें राइटर की भी मिस्टेक नहीं गिनता, बट ये चीज रहती है। मेरा CPT और IPCC ये थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, क्या बात है, ग्रेट। लाइक CPT आई स्कोर्ड सम 167 आउट ऑफ 200, IPCC में भी मेरा सात सॉरी हाँ 7 सब्जेक्ट्स थे, तो 7 में से 5 में एग्जम्पशन था, और वो हाँ मैंने बट तोड़ तोड़ के दिया था, आई मीन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप ऐसे अलग अलग दिए थे, क्योंकि मेरे लिए 7 पेपर्स एट ए स्ट्रेच देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो राइट राइट, नहीं इट्स टोटली ओके। मतलब और ये अपने आप में 5 एग्जेम्पशंस लेके आना एक एक कीर्तिमान है अपने आप में, मतलब ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ जी। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, एंड उसके बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन की। सो या 3 इयर्स आर्टिकलशिप, एंड मीनवाइल क्या हुआ ना, मतलब मैं आर्टिकलशिप से थोड़ा बोर हो गया, तो मुझे लगा कि साइड में कुछ करना, बिकॉज आई बीन लाइक मतलब मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि आई पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विच आई हैव, बट फिर भी मैं अपने आप को ना हार्ड वर्क से ज्यादा थोड़ा सा स्मार्ट वर्कर या ऐसे गिनता हूँ, मतलब मैं मतलब कुछ चीज का शॉर्टकट मिलेगा ना तो वो करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे ना ऐसे लगा कि आर्टिकलशिप बड़ा मोनोटोनस हो रहा है, तो मैंने बोला साइड में कुछ तो करते हैं। सो देन आई वेंचर्ड आउट टू अपियर फॉर कैट, तो वो भी मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था। हाँ मैथ्स के लिए मैंने कैट में ट्यूशन किए थे, मैथ्स में मतलब कैट में LRDI, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये रहता है, राइट? सो ये 4 थे, तो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ट्यूशन लिए थे, एंड देन आई अपियर फॉर कैट। तो उसमें ऐसा हुआ ना कि आई मैंने वो दिया था मैंने ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट, और आई क्रैक्ड इट, एंड आई क्रैक्ड इट इन अ मैनर कि मुझे सारे IIM से कॉल आए बारिंग अहमदाबाद फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो देन आई अपियर फॉर मतलब बेंगलुरु एंड लखनऊ का इंटरव्यू, एंड लखनऊ का मतलब बैंगलोर इंटरव्यू में आई वॉज वेट लिस्टेड लाइक आफ्टर द PI, एंड लखनऊ में आई क्वालिफाइड, मतलब फाइनली मुझे वहां से एडमिशन लेटर भी आ गया कि यू कैन जॉइन अस, क्या बात है, ग्रेट। आई एम लखनऊ से। बट उस टाइम पे ये था कि आर्टिकलशिप पे हार्डली मतलब 6 महीने या ऐसे कुछ बचे थे, तो बोला कि ये नहीं अभी एक बार, और मतलब मम्मी पापा को भी ऐसे था कि यार अकेले 2 साल रहेगा अलग सिटी में, एंड अभी छोटा है अभी हमें नहीं, और ठीक है ना लोग तो वर्क एक्स के बाद भी वहां पर जाते हैं, मतलब जॉब करने के बाद। सो ये बन रहा था, तो बोला कि नहीं अभी नहीं करना है, तो एडमिशन लेटर आ गया, सब कुछ हो गया, तो एक बार पापा भेजने को तैयार भी हुए, मम्मा वॉज नॉट विलिंग, तो वो सब डिस्कशंस हुए, फिर फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि नहीं जाना है, वी विल लेट्स परस्यू सी ये अभी आपका हो गया आधा, तो इसी को वी हैव दिस कंप्लीट ऑन आवर करते प्लेट, तो कंप्लीट करते हैं। हैं, राइट। सो ये सारा हुआ, एंड देन स्टार्टेड ये CA फाइनल। क्या बात है, क्या बात है। CA फाइनल में कितने अटेम्प्ट लगे दर्पण? CA फाइनल में मुझे ना 6th अटेम्प्ट में मेरा फाइनली क्लियर हुआ, ओके ओके। या 6th अटेम्प्ट, या तो ग्रुप वाइज दे रहे थे, बोथ ग्रुप दिया, क्या कैसे क्लियर हुआ? नहीं ग्रुप वाइज दे रहा था मैं, बोथ ग्रुप्स होता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना जैसे जब CA की एग्जाम्स है ना, आप देखेंगे सारे कॉलेजेस की एग्जाम्स उसके 1 वीक आसपास ही होती है, राइट। मतलब 10 दिन बाद या 10 दिन पहले, है ना, तो उस सिचुएशन में ना किसी राइटर को भी एंगेज करना 8 पेपर्स के लिए 16 दिन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट, एग्जैक्टली। और मेरे लिए खुद के लिए पढ़ना, मतलब अगर 8 है ना तो 4 तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ग्रुप में दो दो, तो वो बहुत लेबरियस और बहुत ये हो जाता है, मतलब बहुत कंबरसम हो जाता राइट राइट राइट। है ना। तो मैं ग्रुप वाइज अपियर किया हमेशा, और ऐसे हुआ, बहुत बट बढ़िया। ग्रुप वाइज अपियर किया, उसमें ऐसे हुआ कि ओके फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मुझे मालूम था कि मेरा मेरा क्लियर होगा ही नहीं, बिकॉज इसका वाज द सब्जेक्ट दैट आई यूज्ड टू हेट अ लॉट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब मैं पढ़ता और उधर जाके सब 0 हो जा, मतलब भूल जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे क्रैम कर रहे थे, मतलब तो वो राइट।
राइट। तो ऐसे हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे मालूम था मैं क्लियर नहीं होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में आई डिड वेल, और उसका इनफैक्ट मैंने ये भी मंगवाया रीचेकिंग का। तो टैक्सेशन में और दोनों में ना मतलब मेरा 8-8 marks बढ़ सकता था, मैंने सेकेंड टूप दिया था एक्चुअली, राइट। तो 7th और 8th पेपर जो डीटी और आईडीटी है ना, तो बट ठीक है, सजेस्टेड के साथ मैच भी किया सर्टिफाइड कॉपी आने के बाद, और वो डेफिसिट था मेरा, डेफिसिट था कुछ 15 marks से, 185 जैसा आया था मुझे। और जब पेपर्स आए तो देखा कि डीटी और आईडीटी में 8-8 marks की वजह से ये हो रहा है, और मतलब 16 बढ़ रहे थे, बट एनीवे वो हुआ नहीं। फाइनली आपका ये अटेम्प्ट था ना जो 2018 वाला, जहाँ पर एक बार कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हो गए एंड फिर वापस से विड्रॉ किए गए कुछ 5,000 बच्चे, ये हो गए, तो उसमें मैं विक्टिमाइज हूँ, मैं भी पहले वो हो गया था। मतलब जो भी था टेक्निकल एरर था या वॉट एवर, बट वो हो गया उसमें एक बार में, तभी फिर 2-3 घंटे बाद पता चल रहा है नहीं हुआ वापस से, राइट। तो वो चीज हुई, तो ऐसे करके हुआ। बट हाँ मतलब फाइनली आई थिंक 3rd attempt में मेरा ये क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप, राइट। फिर 4th attempt में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। 5th attempt में फर्स्ट ग्रुप दिया तो SFM में ये आया एग्जम्पशन, ओके, और बाकी के 3 पेपर रह गए। और फाइनली 6th attempt जो था वो जेन में हुआ, क्योंकि नवंबर में मैं दे नहीं पाया, मतलब माय पेरेंट्स एंड आई वी ऑल 3 of us फेल इल उस टाइम पे, ओके, तो वी वर ऑल बेड रिडन, मतलब दिवाली भी ऐसे ही गुजरा हमारा, तो मैंने पहले ही ऑप्ट आउट कर लिया था लाइक 8 दिन पहले ही एग्जाम्स के। जेन में 6th attempt किया, तो जो 3 पेपर बाकी थे FR और ये ऑडिट और लॉ, तो वो क्लियर हुए परसों जब रिजल्ट आया। नहीं सोचोगे? नहीं, अब MBA के बारे में नहीं, because मेरे को जॉब नहीं करना था ना, एक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस दैट वी डिसाइडेड अगेंस्ट IIM लखनऊ, राइट। ओके, सो अगर जॉब ही करना होता फिर तो मैं तभी ना मतलब ये 16 से 18 की IIM बैच में चले जाके, और 18 में आई वुड हैव आई थिंक 18-19 में मे बी आई वुड हैव गॉटन द जॉब, बट तभी कैसे था कि नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मतलब नहीं स्टेप इन करना है जॉब के थ्रू एटलीस्ट, राइट। और चेस को लेके क्या फ्यूचर देखते हैं? चेस को एक गोल है, जैसे चेस में ग्रैंड मास्टर बनना है मुझे, एंड इफ आई एम एबल टू डू सो तो वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा कि किसी विजुअली इम्पेयर्ड प्लेयर ने ग्रैंड मास्टर टाइटल अटेन किया है। क्या बात है, जरूर होगा, जरूर होगा, आई थिंक आप जरूर जरूर करेंगे, और उसके बाद एक बार जरूर मुझसे मिलिएगा, एक बार दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इस मुद्दे पे। तो श्योर दर्पण, आपने एक अमेजिंग लाइफ जी है अभी तक, राइट। आपने जो चाहा आपने वो करके दिखाया, एफर्ट्स लगे, दिक्कतें आई, आपने हर दिक्कत को ओवरकम किया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी अभी तक की जो आपने लाइफ जी है, अभी तक आपने जो चीजें अटेन करी हैं, जो दिक्कतें आपने देखी हैं और आपने कैसे उनको ओवरकम किया है, उन सबके क्रक्स में, उन सबका एक एक मैं निचोड़ अगर बोलूं, क्या ले जाए यहां से आज कोई देख के दर्पण को? थिंक टू कीप इट सुपर शॉर्ट, डाउट योर डाउट्स बिफोर यू स्टार्ट डाउटिंग योर होप्स, है ना। तो आप हमेशा अपने डाउट्स को डाउट कीजिए, आपकी होप्स को डाउट करने के पहले, अगर ये आप करेंगे ना तो, बिकॉज मतलब मैं भी, ओके टू बी ऑनेस्ट, मैं भी उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं, आई मीन आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ रियलिस्ट, के नाइदर ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक, जैसा सिचुएशन है उस टाइप से ना, तो ये चीज है। बट फिर भी आपके मन में जो भी आ रहा है, एंड मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नेगेटिविटी कभी मत लाइए, आप ह्यूमन हैं तो आएगा ही नेगेटिविटी, राइट। बट उससे आप जितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं ना, आई मीन द रिकवरी टाइम शुड बी वेरी लेस, द रिकवरी टाइम शुड बी वेरी लेस, that would distinguish you from the rest, so right. That is what I feel. जिंदगी में failures आते हैं, और होता क्या है ना generally, मैंने देखा है कि मतलब I would consider myself in fact fortunate कि मैंने इतनी सारी tragedies जो भी हैं वो right from my early childhood देखी, but शायद जिसने नहीं देखी होगी ना, तो ये रहता है कि उनको लगता है कि life is very easy,
और जब एकदम से कोई टफ, मतलब वो फैक्ट नहीं है, राइट, आज नहीं तो कल नहीं तो अभी नहीं, अगर सीए में नहीं तो शायद 10 साल बाद, शायद 20 साल बाद, कभी भी कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी, है ना. वो हर एक की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पर आते हैं. बिल्कुल. तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि लाइफ इज टफ, बट यू हैव टू बी टफर देन लाइफ. सो दैट इज हाउ इट इज. क्या बात है, क्या बात है दर्पण, बहुत मज़ा आया बात करके. अब अगर आपके पेरेंट्स अगर आना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इन केस दे हैव सम टाइम और वो कंफर्टेबल है आने के लिए, तो प्लीज. या श्योर, जस्ट अ मिनट. राइट. हेलो सर, नमस्कार. हाँ जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर. नमस्ते नमस्ते. बहुत बहुत अच्छा लगा दर्पण से बात करके. एंड मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहता था. आज फर्स्ट टाइम है मैंने इंटरव्यू में किसी के पेरेंट्स को बुलाया है. वो इसलिए बुलाया है कि मैं समझ सकता हूं क्या आपके पेन्स रहे होंगे और आपने कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने मिलकर दर्पण को आज स्टेज पे पहुंचाने के लिए. और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं अपनी पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ से, कि हमारे फ्रेटर्निटी के स्टार हैं दर्पण और स्टार के पीछे जो सुपर स्टार्स हैं वो आप लोग हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ऐसी कोई बात नहीं, हमने अपना फर्ज निभाया. दर्पण ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से जो ये मुकाम हासिल किया है ना, उसके पीछे हम तो हमेशा खड़े रहे. वो जब जब जो जो जैसा जैसा चाहता रहा, हम हमेशा उसकी उसके पीछे खड़े थे अडिग रहकर, और कभी भी उसको पीछे नहीं हटने दिया और ना ही कभी उसको निराश होने दिया. तो हमारा काम वही रहा, बट इसने भी पूरा अपना पूरा 100% दिया उसके पीछे. मतलब हम लोगों का जितना हाथ है ना, उससे कहीं डबल हाथ इसका खुद का अपना रहा. क्योंकि अगर इसमें अगर डिनोमिनेशन नहीं होता ना, इतना डिटर्मिनेशन, तो शायद ये नहीं हो पाता. बहुत बहुत बढ़िया. आई थिंक सब पेरेंट्स के लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि अपने अपने बच्चों के पीछे जो है हमें खड़े रहना है अडिग होके, और डेफिनेटली उससे जो है फ्रूट्स मिलेंगे. मैं एक बार दर्पण की मदर से भी बातचीत करना चाहूंगा. जी हाँ, जी हाँ सर. हेलो. हाँ जी मैम, थैंक यू सबसे पहले आप आए. और क्या फीलिंग थी जब पता चला दर्पण ने सीए क्लियर कर लिया है? बहुत ही प्राउड फील किया. और अब क्या सोचते हैं आगे, कैसा रहेगा आगे का सफर? सर, आगे का सफर आप सबका सपोर्ट रहेगा और सबका, तो आगे अच्छा ही रहेगा. अभी तक तो अच्छा रहा है, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा. बहुत बढ़िया. क्या बोलना चाहेंगे दर्पण के बारे में? दर्पण एक मतलब ब्रिलियंट लड़का है, और जो चीज सोच लेता है उसको पूरा करके ही रहता है. जो भी चीज को उसने सोचा कि मुझे ये करना है, जैसे चेस में है, सब एजुकेशन में, तो इसने जो भी सोचा है वो पूरा करके ही रहता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके. और आगे भी दर्पण को आप ऐसे ही, मेरे को पूरा पूरा विश्वास है, आप ऐसे सपोर्ट करेंगे और दर्पण भी उसको पूरा ऐसे रिस्पांस देंगे और बहुत जल्दी चेस के ग्रैंड मास्टर बनेंगे, अपनी बहुत बढ़िया जो है प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी, हाँ जी, एक बार दर्पण से बात कर दीजिए. हाँ जी दर्पण. हेलो. या हाँ जी दर्पण. तो बहुत बहुत अच्छा लगा दर्पण बात करके आपसे. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपको फोन किया तो आपने पहचान लिया कि अच्छा, जैसे आपने बोला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप जानते हो. तो इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि यार आप मुझे जानते हो. और अरे नीरज अरोरा सर को सीए फ्रेटर्निटी में अगर नहीं जानेगा तो फिर वो सीए ही नहीं कर रहा है, जानना ही पड़ेगा. नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट दर्पण. पता नहीं ये वीडियो कितने हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा, और इंस्पायर करने के साथ साथ ये बताएगा कि भाई जहां चाह है वहां रहा है. और दर्पण ऐसे जब भी आपको मन करे, बल्कि आपको लगता है आप और कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो प्लीज आए गाइड करें. आप अपने चैनल के थ्रू करें, जैसे भी आप करना चाहें प्लीज करें, क्योंकि इससे काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी. और नॉट ओनली इन सीए, आप चेस के लिए भी अगर किसी को गाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. एंड मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा हमारी स्टूडेंट्स के बीच में रीच है. बहुत बार हमारे पास एक डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के मेल आते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, आगे कैसे बढ़ें. तो मैं आपसे एक छोटी सी परमिशन लेना चाहता हूं कि अगर किसी का मेल आए तो मैं आपके साथ जरूर उसको रेफर करूंगा. sure, आप ताकि उसकी हेल्प कर पाए. I'll be more than happy to help, sir. राइट राइट दर्पण, थैंक यू वेरी मच दर्पण. और मैं अपनी हर वीडियो जो है वो एक अलग तरीके से एंड करता हूँ. हमेशा बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. और दर्पण उस बात का एक जीता जागता एग्जांपल है कि सीखना बंद तो जीतना बंद. राइट दर्पण, थैंक यू. या थैंक यू.